हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड। आप ये सवाल देख ले जाएं। दीदी, व्हाट डज इट मीन बाय जिमिन लॉकडाउन हैशटैग ऑन ट्विटर? प्लीज़ एक्सप्लेन मी दी। आई हैव ट्राइड टू नो द मीनिंग बट गॉट नथिंग। ऑल्सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आर एम अग्री द बीटीएस पर द वे एंड व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल्स आर पोस्टिंग ट्वीट ऑन हैशटैग बीटीएस पर द वे। व्हाट डज इट मीन? आई एम बीटीएस आर्मी साइंस लास्ट ऑफ 2022। So I don't have much ideas about these things. Please explain me this and love you, Dee from Nepal. Love you too, sweetheart. Hashtag Jimin Lockdown. Lockdown में क्या होता है? सब बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में एक ही जगह में रहते हैं। तो ऐसे ही जिमिन के फैंस चाहते हैं कि जिमिन की एल्बम फेस और उनके सॉन्ग Spotify पर टॉप पर रहे हमेशा, एकदम लॉकडाउन होके रह जाएं। खासकर उनके बर्थडे से पहले, जो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में है। जिमिन के फैन चाहते हैं कि Spotify पर जिमिन ही सबसे ऊपर रहे। फिलहाल जेके का 7, वी की लेवर और जिमिन की फेस एल्बम को टॉप 1 पर बनाने के लिए सबके सोलो फैंस बहुत मेहनत कर रहे हैं। रही बात नामजिन के BTS पर द वे की, तो इसमें गलत क्या है? सही तो है, BTS वाकई टॉप पर हैं। BTS का हर मेंबर एक दूसरे के ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाहे एल्बम हो या गिनीज रिकॉर्ड। BTS का एक मेंबर ही दूसरे मेंबर के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। जिमिन और शुगा का रिकॉर्ड था डे 1 में बेस्ट सेलिंग एल्बम का, यानी पहले दिन जिनकी सबसे ज़्यादा एल्बम बिकी, उनका ये रिकॉर्ड वीकी लेओर ने तोड़ डाला। फिलहाल वीकी लेओर है बेस्ट सेलिंग एल्बम। बिलबोर्ड में पहले जिमिन टॉप 1 में थे, बाद में जेके भी बिलबोर्ड में टॉप 1 में रहे। एम काउंटडाउन में अवार्ड या तो 7 जीत रहा है या फिर वीकी लव मी अगेन। जेके केपॉप के फर्स्ट मेल आर्टिस्ट जिन्होंने VMA में अवार्ड जीता। शुगा जो ग्रुप में रहने के बाद भी सोलो वर्ल्ड टूर पर गए। BTS ही आपस में रिकॉर्ड खेले जा रहे हैं, इसलिए RM और आर्मी का ये कहना सही है कि BTS पर द वे। नेक्स्ट, दीदी क्या BTS के सिपिंग वाले जेलसी मोमेंट होते हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वो रियल होते हैं क्या? क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ आर्मी गर्ल्स हैं जिन्हें वो सब रियल लगता है, और वो ऐसा समझते हैं कि अगर जंगकुक से कोई और मेंबर बात करे तो वी को बुरा लगता है, या वी से कोई और बात करे तो जंगकुक को बुरा लगता है, या फिर शुगा सिर्फ जिमिन को हक करते हैं और बहुत सारी बातें उनके दिमाग में है। प्लीज़ क्या आप वो मोमेंट्स की रियलिटी बता सकते हैं? प्लीज़ आंसर मी दी। आई लव यू सो मच दी। आई लव यू टू हनी। पता हनी, मुझे तो नहीं लगते रियल, एक्टिंग लगती है बस। उन्हें पता है कि सामने कैमरा है, हमें कैसे बिहेव करना है। मेरी नज़र में ये फैन सर्विस है बस, सिर्फ फैंस को दिखाने के लिए। जब BTS को, चाहे वो VJK हो या जिमिन शुगा हो, जब उन्हें पता है कि सामने कैमरा है, हमारे चारों ओर कैमरा है, तो वो जलन वाली या गुस्से वाली कोई भी फीलिंग क्यों दिखाएंगे? इसके अलावा कई बार चीज़ें हमें वैसे ही नज़र आने लगती है जैसा लोग हमें दिखाते हैं, या सामने वाला हमें जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब ये लोग जो जेलस वाले मोमेंट बनाते हैं, इतना परफेक्टली बनाते हैं, उसको स्लो मोशन करके उनके हाथ और मुंह के एक्सप्रेशन को 10 बार दिखाना, फिर बैकग्राउंड में सुपर रोमांटिक सॉन्ग ऐड करना, ये सब कुछ रियल लगता है। मैं इन पर यकीन नहीं करती, क्योंकि एक ही वीडियो में आप वी जिमिन को जेलस होते हुए दिखा देंगे, जेके वी को दिखा देंगे, जेके जिमिन को दिखा देंगे, शुगा को दिखा देंगे, या कई बार जी होप को भी, जिन और वी के जेलसी मोमेंट। फॉर एग्जांपल, अब TMA अवार्ड 2022, इसको ही ले लो, ताईकुक मोमेंट प्लस जेलस मोमेंट। इसी अवार्ड में जी कुक मोमेंट प्लस जेलस मोमेंट, और इसी अवार्ड में यूनमिन यानी शुगा जिमिन के भी मोमेंट प्लस जेलस मोमेंट। अब आप बताओ किस किस पर यकीन करोगे? इन तीनों सिप में से किस पर यकीन करोगे? जाहिर सी बात है, जिसने सबसे अच्छी एडिटिंग की होगी। खैर, मैं इस पर यकीन नहीं करती, और मुझे लगता भी नहीं है कि सही है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर अपना दिमाग नहीं लगाती, ना ही इस पर बिलीव करती हूँ, ना ही ये देखती हूँ। नेक्स्ट, हाय सिस्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम ए रेगुलर व्यूवर्स ऑफ योर वीडियोज़। सिस्टर, आई हैव ए क्वेश्चन, काइंडली आंसर दिस। इन के पॉप आर्टिस्ट रिलीज मैनी वर्जन ऑफ सॉन्ग लाइक 7, वी गेट, लोफी, आईलैंड, समर मिक्स, etc.
An artist sang the song separately for each version or only the changed music arrangement? Please reply me says I purple you too honey. दोनों होते हैं आजकल, स्पेशली के पॉप इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा वर्जन निकाल रहे हैं अपने सॉन्ग के वर्जन पर, यानी जो उनका म्यूज़िक अरेंजमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि किसी वर्जन के लिए फिर से अलग से गाने की ज़रूरत है या नहीं है। जाहिर सी बात है अगर सॉन्ग के पीछे का म्यूज़िक चेंज होगा तो उस हिसाब से गाने के नोट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, पर बहुत कम ना के बराबर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट अलग से अपना सॉन्ग फिर से वर्जन के लिए गाता है, बहुत कम होता है ऐसा, ना के बराबर। मैंने जेके के 7 के 8 या 9 वर्जन सुने हैं, मेरे ख्याल से 8-9 तो सुने ही हैं। मुझे नहीं लगता वो जेके ने अलग से गाए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ सिर्फ पीछे से म्यूज़िक अरेंजमेंट चेंज हुआ है, सिर्फ बीट चेंज हुई है। तो ये वर्जन पर ही डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट को ओरिजिनल सॉन्ग को फिर से गाने की ज़रूरत है या नहीं, वैसे बहुत कम ऐसा होता है। वैसे आपने 7 सॉन्ग के कितने वर्जन सुने हैं? ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।